अंगद को याद आएगा कि उसने सीरत को ढूंढने की बात सिर्फ साहिबा को ही बताई थी। जिस लड़की की तुमने मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी, उस सीरत को और मोंगा का पता चल गया मुझे। इसका मतलब साहिबा ने एक बार फिर सीरत को भगा दिया। वो नहीं चाहती कि मुझे सच का पता चले। मतलब वो पुलिस कंप्लेंट वगैरह सब नाटक था। साहिबा को शुरू से पता था कि सीरत कहाँ है, लेकिन अब सीरत यहाँ से कहाँ जा सकती है? चलो 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 बच्चों, जाने का टाइम हो गया। अपना अपना सामान लो। चलो 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 चलो, चलिए मैडम जी, चलिए आ जाइए। चलो चलो आ जाओ। अरे तुसी भी आ जाओ। बड़े दिनों के बाद इस घर में बच्चों के खेलने की आवाज गूंजी है, और ये सब बेबी कहेंगी दादी से कि उन्हें साहिबा को कोई तोहफा देना चाहिए। यार साहब, आज खाली आशीर्वाद देने से काम नहीं चलने वाला। अपनी बहू को कोई तोहफा देना होगा आपको। हकदार है वो उसकी। ठीक कह रही है तू जगजोत। दस पुत्र की चाहिदा है। आप इससे पूछ तो रहे हैं दर्जी, लेकिन जरा संभल कर। इसकी तो पहले से ही हमारे बिजनेस, प्रॉपर्टी और दौलत पर नजर है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि औकात से ज्यादा मांग ले। मैं तो कहती हूँ कि इसके हाथ में कुछ पैसे ही थमा दीजिए, इतना ही काफी हो जाएगा इसके लिए। आप बार बार भूल जाती है मैम कि छोटी ही सही पर मेरी अपनी खुद की दुकान है, और अपने घर का खर्चा मैं ही उठाती रही। मेरे पापा जी ने मुझे आत्मनिर्भर बनाया है। मुझे महंगे तोहफे, रुपए पैसों का लालच ना पहले कभी था, ना है और ना ही कभी होगा। साहिबा इनडायरेक्टली उठाएगी ब्रार मेंशन के कुछ फैमिली मेंबर्स पर उंगली। अपना जमीन मारना पड़ता है, बेशरम बनना पड़ता है, जो मैं मर के भी नहीं बन सकती। मेरी दौलत मेरा हुनर है, जो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अगर आपको लगता है कि ये दौलत, ये ऐशो आराम, इन सब का मुझे शौक है, तो आप गलत हैं। दार्जी, मुझे एक ही तोहफा चाहिए। हाँ हाँ पुत्र, तू आवाज कर। मुझे पग फिरे की रस्म के लिए अपने पापा जी के घर जाने की इजाजत दे दीजिए। साहिबा ब्रार बनने के बाद अब साहिबा जाना चाहती है अपनी फैमिली से एक बार मिलने। मैं आखिरी बार अपने घर से काम करने के लिए निकली थी। मुझे, मेरे पापा जी को, मेरी बहनों को किसी को अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। मेरी तो पूरी जिंदगी बदल गई। मैं साहिबा मोंगा से साहिबा ब्रार बन गई। अगर आप सच में मुझे कुछ देना चाहते हैं दार्जी, प्लीज मुझे पग फेरे की रस्म के लिए अपने घर जाने की इजाजत दे दीजिए। हरगिज नहीं,